इसीलिए यीशु ने कहा जो मनुष्यों से नहीं वो किससे हो सकता है। तो इस ब्रदर जी का नाम आकाशदीप है और जो इनके साथ है वो इनकी दादी जी है। और इस ब्रदर जी की गवाही जे जे बता रही है कि जब इसका जन्म हुआ था जब बचपन में, तो जे बताते कि जब जे 13 दिन का था और उस दिन से इसको दौरे का अटैक शुरू हो गया, इसको दौरे पड़ने शुरू हो गए। और जे बता रही कि उसी समय इन्होंने इसको होटिया हॉस्पिटल रामदास एडमिट करवाया। और जे बताते कि इन्होंने हॉस्पिटल जे 1 महीना तक रहे और फिर डॉक्टर ने कहा कि जो दौरों का प्रभाव था, जो असर है, वो इसके ब्रेन पर पड़ गया है, जिसके कारण अपने 6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट करवाना है। और जे बता रही कि फिर जे अपने घर आ गए और 6 महीने तक लगातार जिसको मेडिसिन देते रहे और जे बहुत ही परेशान थे और जैसे जे मेडिसिन तो दे रहे थे और फिर जो दौरों का प्रभाव था कम हो गया। और फिर जे बताते हैं कि जब जे 12 साल का हो गया और जे बाहर खेल के आया घर में और अचानक से इसने बहुत ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दिया और फिर से जो दौरों का अटैक था वो बहुत ज़्यादा इसके इस पर शुरू हो गया उसका प्रभाव। और जिसके कारण ये बताते हैं कि इसने अपने घर से भी भाग जाता था और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था और जिसके कारण ये किसी के भी वश में नहीं था। और जे बताते हैं कि कोई भी चीज़ जब इसके हाथ में आ जाती थी तो अपनी फैमिली को मारना शुरू कर देता था और जिसके कारण इनकी फैमिली काफ़ी परेशान हो चुके थे। और फिर इनकी फैमिली ने बताया कि जहां तक कि जे दौरों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको कोई समझ नहीं आती थी और जिसके कारण इसने पेट्रोल को सूंघना भी शुरू कर दिया, उसका इसको नशा हो जाता था और जे बहुत परेशान हो चुके थे। फिर इनकी फैमिली ने सियाने तांत्रिक बाबों के पास भी गए पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और जे बताते कि सब करने के कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि जे रात के समय भी घर से भाग जाता था। फिर इनकी फैमिली ने इनको संगलों के साथ बांधना शुरू कर दिया और अभी हम उस वीडियो को देखेंगे जब इसको संगलों के साथ बांधा था। और जे इसको ऐसे घर में संगलों के साथ बांधते थे क्योंकि जे रात के समय भी घर से चला जाता था और जिसके कारण इनकी फैमिली काफ़ी परेशान हो जाते थे, किसी से भी संभाला नहीं जाता था और जिसके कारण जे काफ़ी परेशान हो चुके थे। फिर जे बता रहे कि जैसे इनको प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और इनकी दादी जी यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में इन्होंने आना शुरू किया। और जब जे अकेले ही आते थे क्योंकि इस ब्रदर की हालत इतनी ख़राब थी कि इसको जो मीटिंग में नहीं थे लेकर आ सकते और जिसके कारण जो विश्वास करते थे इनकी दादी जी की इनका जो बेटा है बिल्कुल अच्छा हो चुका है। और जैसे जो बताते कि इन्होंने संडे की मीटिंग को अटेंड करना और पर्सनल भी जो मिलते रहे और जैसे इनको सिखाया गया कि विश्वास करें और इसके लिए कैसे धन्यवाद देना है, तो जो बहुत ज़्यादा प्रभाव था परमेश्वर ने इसको बिल्कुल अच्छा कर दिया। और जो बताते कि उससे जो बिल्कुल अच्छा हो गया, अभी इसकी जो एज है अभी जो 15 साल का हो गया है। और फिर से 1.5 महीना पहले इस पर फिर से बहुत ज़्यादा दौरों का प्रभाव शुरू हो गया था। एक दिन में इतने ज़्यादा दौरे पड़ते थे कि जे बहुत परेशान हो चुके थे। इसके मुंह से झाग पानी निकलना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और जब जहाँ तक कि जे बताते जो कुछ भी खाता तो इसको पचता नहीं था, इसको फीवर भी रहता था। और क्योंकि इनकी दादी जी तो ऐसे संगति में आ रहे थे क्योंकि बचपन में ही इस ब्रदर की जो मदर है मम्मी जी इसको छोड़कर चली गई थी और जितनी भी घर की जिम्मेवारी थी इसको संभालना, घर का सब काम देखना इनकी दादी जी का ही था, जिसके कारण जे ब्रदर जी नहीं थे आ सकते और इसलिए इसकी दादी ही जहाँ पर आ रहे थे और इसी कारण इस ब्रदर को नहीं थे लेकर आ सकते। पर जब 1.5 महीना पहले जो सारी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई और उसके कारण जब इन्होंने फिर हॉस्पिटल में इसको लेकर गए, जिन्होंने बताया कि जे मेंटल हॉस्पिटल में लेकर गए थे क्योंकि इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, इसको कोई भी
पता नहीं था, किसी की भी समझ नहीं थी, और बेड पर ही जो बाथरूम टॉयलेट्स कर देता था, और बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो चुका था। और जैसे जब जो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा था कि इसका 5 महीने तक इसका कोर्स चलेगा, मेडिसिन का मेडिसिन इसको दो, 5 महीने तक कोर्स चलेगा, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। और ये बता रहे कि इनके पास इतना खर्चा भी नहीं था जितना था, इन्होंने मेडिसिन दी, और फिर इनको विश्वास था कि परमेश्वर इनको पहले भी अच्छा किया है, अभी भी परमेश्वर कर सकते हैं। और इन्होंने कुछ दिन ऐसे जैसे हॉस्पिटल से जैसे संगति में आए, क्योंकि इनके जो फादर साहब है ब्रदर के वो भी विश्वास नहीं करते थे, और जैसे पहले जो संडे की मीटिंग में आए, और फिर इन्होंने पर्सनल मंडे की मीटिंग को अटेंड किया, उस दिन इनके फादर जी भी इनके साथ आए थे, और जैसे प्रभु के दास ने इनको टीच किया, सिखाया और कैसे विश्वास करना है, और भी इनके फादर साहब तो बिल्कुल भी नहीं थे जानते, क्योंकि वो कभी भी मीटिंग में नहीं थे आए। और उस दिन जैसे मीटिंग में भी इसको बार बार दौरे का अटैक आ रहा था, और इसको कोई भी पता नहीं था, इसको फीवर भी बहुत ही ज्यादा था, इसने कुछ भी खाया नहीं, इनकी फैमिली ने कितने दिन नहीं खाया था, 1.5 महीना हो गया था, और 2-3 हफ्ते पहले कुछ नहीं खाया, जब ज्यादा 2-3 हफ्ते कुछ नहीं खाया जी, ठीक है आगे। और जिसके कारण इसको पानी देते थे वो भी बस चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा इसके मुंह में डालते थे आप ही, और इसको कुछ पता नहीं था। और जैसे जो पर्सनल मीटिंग में आए थे उस समय भी इसको बहुत ज्यादा दौरों का प्रभाव था, पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। तो ऐसे इसको बहुत ज़्यादा बार बार दौरे पड़ रहे थे, और जिसके कारण जैसे ही उस दिन मीटिंग में भी ऐसे ही थे, घर में भी, और जो काफ़ी परेशान थे, और जैसे ही प्रभु के दास ने इनको टीच किया, उत्साहित किया, फिर इसके लिए प्रेयर हुई, अभी हम उस वीडियो को भी देखेंगे। फैमिली ने सिखाया, निश्चय मेरे परमेश्वर ने एहसास करना है कि वो जीवित बचन ये जीवन में काम कर चुके ने, तो जो भी अंधकार दी दुष्ट आत्मा मेरे परमेश्वर इस बच्चे के जीवन च, वो दौरे की दुष्ट आत्मा जो ये जीवन से बार बार अटैक कर रही है परमेश्वर, अज तेरे जीवित बच्चा नाल खुदा उस शैतान का उस दौरे देने वाली दुष्ट आत्मा का अज प्रभु तुसी नाश कर दी, अपने जीवित वचना नाल परमेश्वर का अंत कर चुके हो, प्रभु इन चंगा कर चुके हो, हील कर चुके हो, खुदा ये हड्डिया विच ये अंगा विच परमेश्वर तुसी जान पा चुके हो, इहदा मुंह खोल चुके हो, बोलण दे लई परमेश्वर इन जवान शक्ति दे चुके हो, बोलण दी इहदियां हड्डियां विच ताकत दे चुके हो, खुदा ये अंग फिर तो परमेश्वर काम करना शुरू हो जाण यीशु मसीह तेरे नाम दे विच, जो भी बॉडी दे विच दुर्बलता बुखार या जो भी वीकनेस है प्रॉब्लम है यीशु तेरे नाम दे विच मैं आज्ञा करता चली जाए, अज तो चली जाए ये अंधकार दी दुष्ट आत्मा, दौरे दी दुष्ट आत्मा यीशु तेरे नाम से चली जाए, तेरे नाम से चली जाए, यस खुदा सारा बुखार इहदी बॉडी चो जाए, इहदियां हड्डियां विच ताकत आए, इहदे पेट का इम्यून सिस्टम प्रभु तेरे नाम सही होवे, इहदी बंद जबान खुल जाए यीशु तेरे नाम दे विच, इहदी बंद जबान खुल जाए खुदा, इहदे घुटनियां ते इहदियां हड्डियां च बल आ जाए यीशु, बल आ जाए प्रभु तेरे नाम दे विच, बल आ जाए प्रभु, बल आ जाए प्रभु, इहदियां हड्डियां ते इहदे गुड्डियां दे विच ते घुटनियां दे विच बल आ जाए, सारा बुखार खत्म होए, बुखार खत्म हुई प्रभु, यस खुदा मैं विश्वास करता प्रभु, मैं विश्वास करता कि प्रभु अच खुदा बन तेरे जीवित बचना सुने जाने दे उते प्रभु ये इस परिवार का इस बच्चे का तेरे घर विच आना, मैं विश्वास करता परमेश्वर नीचे ये छुटकारे की यदि उन्नति का कारण बन चुका है, और बिल्कुल परमेश्वर आप अपने नाम दे विच चंगा कर चुके खुदा,
कि मैं तेरे पवित्र लहू विच शुभाना कोई अंधकार में शक्तियां इस जीवन नु छू ना पाउण। यस खुदा, यस खुदा, तो शैतान ने इसके माइंड नु इसके दिमाग जैसे इसके लिए प्रभु के दास के द्वारा प्रेयर हुई और उसके बाद इनको सिखाया गया था, इनके फादर साहब को भी बोला था कि आपने लगातार संडे और थर्सडे की मीटिंग को अटेंड करना है, और ये लगातार ही इनके फादर साहब इसको साथ लेकर आते रहे, संडे और थर्सडे की जो मीटिंग को अटेंड करते रहे, और परमेश्वर ने जैसे ही जो अपना विश्वास और फेथ लेकर आते थे, हर एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, प्रार्थना में बने रहे, और परमेश्वर ने जिसकी प्रॉब्लम थी उससे एक महीने में ही इसको पूरी तरह से अच्छा कर दिया। जो खाना नहीं खा सकता, खुद नहा नहीं सकता था, और जो बता रहे कि अभी जो खुद अपने आप खाना भी मांगता है, खा रहा है, सब कुछ डाइजेस्ट भी हो रहा है, और आज एक महीने से प्लस टाइम हो गया, जो बिल्कुल जो दौरों का प्रभाव था, परमेश्वर ने आज इसको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। और इस गवाही के लिए प्रभु के दास को और परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। आप सब तारीफ करेंगे कलीसिया पूरी जोर से। बोलो आज अपने पड़ोसी को, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुमकिन नहीं। बोलो बोलो, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो से हो नहीं सकता। बोलो क्या है? रुको 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 रुको, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उससे हो। देखो इसकी हालत कितनी गंभीर थी, कितने हफ्ते नहीं, डेढ़ हफ्ता नहीं खाया इसने कुछ, डेढ़ महीने से दौरों का प्रभाव बहुत ज्यादा था, और दो हफ्ते एक अचानक से ज्यादा प्रॉब्लम आने के कारण कुछ नहीं पच रहा था। ओ, कुछ नहीं पच रहा था, कितनी प्रॉब्लम इसकी बढ़ गई। और ये कौन है, कौन ऐसे बड़े काम करता है? देखो पहले इलाज कराया, जब ये पैदा हुआ 13 दिन का था, तो दुष्ट आत्मा ने, नेगेटिव पावर ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इलाज चला 6 महीने तक, उसके बाद ट्रीटमेंट चला, ठीक हो गया, 12 साल तक रहा। 12 साल के बाद, चलो कोई बात नहीं, बैठ लेने दो, 12 साल के बाद फिर से ये चीज शुरू होगी। 12 साल के बाद ना, 12 साल के इसमें फिर से वो प्रॉब्लम, फिर से प्रॉब्लम होगी। फिर से इलाज कराया, फिर उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया। बोलो क्या है? और लास्ट जब इसकी हालत अभी खराब हुई 1.5 महीना पहले जी, फिर मेंटल हॉस्पिटल लेकर गए। कहाँ पर लेके गए? मेंटल हॉस्पिटल। और उन्होंने भी कहा कि 5 महीने मेडिसिन चलेगी, उसके बाद बताएंगे। बोलो क्या थी? और उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, क्योंकि अभी अपने वीडियो में देखा, इसको बहुत तेज बुखार था, कई दिन से इसने कुछ खाया नहीं था, और दौरों के अटैक आ रहे, इसके मुंह से पानी झाग आ रही थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में था। फिर ये आए संडे की मीटिंग में आए, मैंने मंडे बोला, मंडे की मीटिंग में आए, फिर टीच किया, सिखाया कैसा विश्वास करना, कैसे प्रार्थना करनी है। बोलो क्या है? कैसे प्रार्थना करनी है। और जैसे फिर बने रहे, और खुदा की ग्रेस ने आज हुआ, ये आज आपके सामने। बोलो क्या, ये आज आपके सामने, समझ आ रही है? ये बड़ा काम किसने किया है? बोलो, और कौन कर सकता है? इसलिए ईश्वर ने कहा जो मनुष्यों से नहीं वो किससे हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट काम किससे होते हैं, किससे होते हैं? पहले इलाज कराया तो कुछ साल तक सही रहा, पर फिर से स्टार्ट हो गया। जैसे लोकतांत्रिक बाबा जी के पास जाते हैं ना, तो वो कुछ समय तक होता है, कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट यीशु के नाम से होता है। किसके नाम से होता है? यीशु के नाम से। और उसने आज कर दिखाया, जो इन्होंने समझा, सीखा और विश्वास किया, वो खुदा ने ये काम कर दिखाया है। खड़े होकर दोनों हाथों को उठाकर, कुछ भी नहीं जो गाओ, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मेरा खुदावंद कहता यही, मौत जे हो यीशु के हाथों, मेरा खुदा करेगा जरूर, मौत जे हो यीशु के हाथों, मेरा खुदा करेगा जरूर, मौत देखो ये सूखे हजूर, मेरा खुदा करेगा।
जो कम आमीन यस खुदावन मैं से ब्लेस करता हूं परमेश्वर जैसे जैसे ये अपने सालों में बढ़े खुदावन ये तेरी उस बुद्धि से जो तू अपने लोगों के लिए रखी है उस बुद्धि को ये प्राप्त करे जैसे जैसे अपने सालों में ये बढ़े खुदा ये तेरा बुद्धिमान बच्चा बने तेरे राज्य की खुशखबरी का प्रचार करने वाला लोगों को बताने वाला बने क्योंकि परमेश्वर मैं तेरा दास होने के नाते तेरी उस बुद्धि की अनाउंटिंग को इसके जीवन में उठेलता हूँ ताकि जैसे जैसे ये बढ़े खुदाबंद अपने सालों में परमेश्वर तेरी बुद्धि का आत्मा इसके जीवन में कार्य करे और खुदा जिस क्षेत्र में जिस नगर में रहता है लोग तुझे जाने के तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है यस खुदा जो काम मनुष्यों से नहीं तेरे से हो सकता है और मैं इसे प्लेस करता हूं उस बुद्धि से तेरी सामर्थ्य से खुदाबंद ये बड़े और तेरे बड़े कामों को देखे ताकि इनके क्षेत्र के लोग जाने कि तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है यस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस मैं से ब्लेस करता हूं प्रभु मैं से ब्लेस घोषित करता हूं यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से आमेन आमेन